हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे क्लास टेंथ का चैप्टर नंबर 8 का सेकंड टॉपिक ट्रिग्नोमेटिकल रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल, जिसमें हमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्रीज के वैल्यूज जानने हैं। तो पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर कुछ एग्जांपल्स बनाएंगे, फिर एक्सरसाइज करेंगे। तो चलिए देखते हैं इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन। सबसे पहले देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ 45 डिग्री हम निकाल के देखते हैं कैसे हम निकालेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ 45 डिग्री। तो इसके लिए हमें सबसे पहले करना क्या होता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बनानी होती है। मैंने आपको पहले इंट्रोडक्शन में बता चुका हूँ कि यहाँ आपको सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है और उनके एक्यूट एंगल के बारे में पढ़ना है। तो हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेंगे, और चूंकि हमें 45 डिग्री निकालना है, ये हमारा 90 है, तो ऑब्वियसली ये हमारा अगर 45 लेंगे तो दूसरा एंगल भी हमारा 45 डिग्री का ही होगा। मतलब बेसिकली हमें आइसोसेलिस राइट एंगल ट्रायंगल लेना है। तो जब ये आइसोसेलिस राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो डेफिनेट सी बात है कि दोनों साइड्स इसके इक्वल होंगे, ठीक है। अब हम इसको लिख देंगे, सपोज ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो पहला काम आप इसका इंट्रोडक्शन लिख दीजिए कि लेट ए बी सी इज एन आइसोसेलिस राइट एंगल्ड ट्रायंगल इन विच ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू, सपोज ये एक्स है, और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 45 डिग्री है, और एंगल बी आपका 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। आपको पढ़ाया गया है कि पाइथागोरस ने क्या बोला था कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो होता है लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर, मतलब लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है, अदर टू साइड्स के स्क्वायर का सम होता है। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम यहां मेंशन कर देंगे कि हमने पाइथागोरस की प्रॉपर्टी यूज की। अब हम क्या करेंगे, देखिए ए सी हमें निकालना है, बी सी हमारा एक्स का स्क्वायर है प्लस एक्स का स्क्वायर विच इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर विच इज 2x स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर हमारा 2x स्क्वायर हो गया। यहाँ से हमें ए सी की वैल्यू लेनी है, तो स्क्वायर जब अपोजिट जाता है तो रूट बन जाता है। तो ए सी हमारा आ गया, एक्स बाहर हो गया और रूट टू तो निकलेगा नहीं, तो ए सी हमारा एक्स रूट टू आ गया। ये ध्यान देना है आपको कि ए सी आपका एक्स रूट टू हो गया। ये चूंकि हमने बाद में लिखा है, बाद में निकाला है, इसलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ ए सी हमारा एक्स रूट टू हो गया। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। तो अब देखिए, हम किसी एक एंगल के लिए, या तो इसके लिए या फिर इसके लिए, किसी एक एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए मैं एंगल ए के निकाल रहा हूँ, फॉर एंगल ए साइन ए, मतलब ए एंगल आपका 45 डिग्री है, तो साइन 45 डिग्री, साइन आपको पता है कि पी बाई एच होता है। इस ए एंगल के लिए पी क्या होगा, बी सी होगा, और एच क्या होगा आपका, ए सी होगा, हाइपोटेन्यूज तो कभी चेंज होगा नहीं। तो बी सी आपका एक्स है और ए सी आपका एक्स रूट टू है, एक्स और एक्स कैंसिल करो, 1/√2 आपका साइन की वैल्यू आ गई। उसी तरह कॉस 45 क्या होगा, बी बाई एच होगा। तो इस एंगल के लिए बेस क्या होगा, ए बी होगा, और ए सी तो चेंज होगा नहीं, तो ए सी इज इक्वल टू व्हाट, एक्स अपॉन एक्स रूट टू। तो ये भी आपका कैंसिल आउट हो गया, ये भी आपका 1/√2 हो गया। नाउ
1045 देखते हैं, 1045 पी बाई बी, तो इस एंगल के लिए पी क्या होगा, बी सी होगा, और बी क्या होगा आपका, ए बी होगा, सिंस बोथ आर एक्स तो एक्स बाई एक्स आपका 1 आ गया। अब आप चलिए कोसेक का भी निकाल देता हूँ यहीं पे, तो आपको पता है कोसेक 45 डिग्री एच बाई पी होगा, इसका रेसिप्रोकल, तो मैं डायरेक्टली आप इसको पूरा डिटेल में ऐसे लिख लीजिएगा, मैं यहाँ डायरेक्टली लिख देता हूँ कि ये रूट टू होगा, रूट टू बाई वन होगा। कॉस 45 क्या होगा, 1 बाई रूट टू है, तो सेक 45 आप निकाल लीजिएगा ऐसे ही सब कुछ लिख के, ये आपका रूट टू आएगा। उसी तरह कॉट 45 जो होगा, आप जानते हैं कि टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट, रेसिप्रोकेट कर देना सब कुछ ऐसे ही लिख लेना, ये आपका 1 होगा। तो ये जो वैल्यू आई है, ये वाली, ये तीनों वैल्यू, ये वैल्यू और ये तीनों वैल्यू, ये 45 डिग्री की वैल्यू हो गई। ये आपको याद रखनी होगी कि जैसे मैं आपको यहां बता दूं कि साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट और इनकी वैल्यू अगर 45 डिग्री की आपको निकालनी है, तो साइन 45 आपका 1 बाई रूट टू होगा, कॉस 45 आपका 1 बाई रूट टू होगा, टेन 45 1 होगा, कोसेक रूट टू होगा, सेक रूट टू होगा और कॉट आपका 1 होगा। तो ये हमारा प्रूफ था 45 डिग्री की ट्रिग्नोमेटिकल रेशियो निकालने के लिए। ये ऊपर वाला जो क्वेश्चन पार्ट है, ये हमारा प्रूफ है, और ये एग्जाम में कभी कभार आ जाता है कि फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेटिकल रेशियोज ऑफ 45 डिग्री, तो आपका आंसर ये वाला पार्ट होगा। ये ध्यान रखिए, अगर आपका क्वेश्चन आता है फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेटिकल रेशियोज ऑफ 45 डिग्री, देन योर सॉल्यूशन इज दिस पार्ट, ये पार्ट आपका सॉल्यूशन होगा। वीडियो पॉज कीजिए, नोट कीजिए, हम अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ 30 एंड 60 डिग्री। चलिए तो देखते हैं कि इसमें हम कैसे निकालेंगे। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि 30 डिग्री और 60 डिग्री का प्रूफ करने के लिए आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना पड़ता है। तो मैं पहले एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना देता हूं। ये हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। सपोज ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये इसको मैं एम कर देता हूँ। तो आइए देखते हैं कि हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे। तो पहले हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं इसका कि लेट ए बी सी इज, सॉरी नॉट आइसोसेलेस, मैं आइसोसेलेस बोले जा रहा हूँ, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो जब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तो क्या होगा, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी होगा। और इसको आप क्या करो कि आप कुछ ले लो, एक्स ले लो, तो एक्स लोगे तो फिर यहां एक्स बाई टू लिखना पड़ेगा, इसको आप क्या करो टू ए ले लो, लेट, ठीक है। तो मैं इसको लिख देता हूं कि ये हमने 2a ले लिया, इसको हमने 2a ले लिया, और ये पूरा पोर्शन हमने 2a ले लिया। एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो क्या होगा, एंगल a इज इक्वल टू एंगल b इज इक्वल टू एंगल c इज इक्वल टू 60 डिग्री होगा। हमें पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के जो एंगल्स होते हैं वो 60 डिग्री होते हैं। अब आइए ड्रॉ, अब मैं इस क्वेश्चन को यहां लेके आता हूं, ध्यान दीजिएगा, मैं यहां आता हूं, ड्रॉ
AM perpendicular upon BC. Now in triangle AMB and triangle AMC में देखिए AB is equal to आपका AC है, दोनों equal to 2A है, और angle AMB is equal to angle AMC. अभी हमने यहाँ perpendicular draw किया, मतलब दोनों angle 90 degree का है, और AM is equal to AM है common. तो देखो ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज इक्वल है, ये दोनों 90 डिग्री है और एक साइड कॉमन है, तो बोथ द ट्रायंगल कंग्रुएंट होंगे. आपने पढ़ा होगा बाय प्रॉपर्टी ऑफ आरएचएस. आरएचएस प्रॉपर्टी हमारा यही कहता है कि अगर एक दो राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज इक्वल हो, कोई एक एंगल दोनों एंगल 90 डिग्री हो, एंड हाँ तो हमने पढ़ा था पिछली क्लास में कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हाइपोटेन्यूज इक्वल हो दो, और वो राइट एंगल ट्रायंगल हो और एनी वन साइड इक्वल हो, तो बोथ द ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट बाय द प्रॉपर्टी ऑफ आरएचएस. आरएचएस से ये इक्वल होते हैं. तो अब हम क्या हो जाएगा, ये अब हमारा ये हो जाएगा बीएम इज इक्वल टू एमसी. बेसिकली मुझे इसी को इक्वल प्रूफ करने के लिए हमने ये किया सीपीसीटी. कई लोग इसको इस पार्ट को करते भी नहीं है, डायरेक्टली इसको ए और ए लिख देते हैं कि ये डिवाइड करेगा तो ये ए और ये होगा, पर आप प्रूफ कर दीजिएगा. तो जब ये इक्वल हो जाएगा सीपीसीटी से, तो ऑब्वियस सी बात है कि बीएम इज इक्वल टू एमसी इज इक्वल टू ए हो जाएगा. अब यहां ध्यान दीजिए, हमने ये निकाला तो इसको भी मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं, ये हमारा ए हो गया. ठीक है, अब क्या करेंगे, दूसरी चीज सीपीसीटी से हमें ये भी मिल गया कि बी ए एम इज इक्वल टू एंगल सी ए एम, दोनों इक्वल होंगे 30 डिग्री से. रीजन सेम रीजन बाय सीपीसीटी से ये हमारा इक्वल हुआ है. मैं यहां डायरेक्टली लिख दिया हूं कि अब ये 30 होगा, चूंकि अभी तक मैंने यहां मेंशन किया था कि ए बी सी 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, और ये पूरा एंगल यहां 60 डिग्री ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, चूंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है. पर हमने ये प्रूव कर दिया कि ये जो लाइन है ये इसको डिवाइड कर रही है, तो अब ये 30 और ये 30 हो गया. राइट, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन के जो मेन हमें इसके वैल्यूज चाहिए थे, जो जो साइड्स की वैल्यूज चाहिए थे उस पे. तो हमारा ये भी निकल गया. अब हम क्या करेंगे कि यहां पे देखते हैं, इन ट्रायंगल ए एम बी, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया. अब ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर एसी का ए बी का स्क्वायर जो होगा हमारा, वो ए एम का स्क्वायर प्लस बी एम का स्क्वायर होगा. वैल्यू निकाल दीजिए, ए एम आपका 2a का स्क्वायर है और प्लस बी एम आपका a का स्क्वायर है, तो ये हो गया आपका 4a स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम का स्क्वायर प्लस बी एम का स्क्वायर. यहां मैं गलत लिख रहा हूं, ए बी आपका 2a है इज इक्वल टू ए एम आपको निकालना है प्लस बी एम आपका कितना है a. अब निकाल लीजिए, ये हो गया 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम का स्क्वायर. देयरफोर ये हो गया आपका 3a स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम का स्क्वायर. देयरफोर 3a स्क्वायर अंडर रूट दिस इज ए एम, देन ए एम इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा a रूट 3.
अब हमें AM की वैल्यू भी निकल गई। अब जब AM की वैल्यू निकल गई तब हम 60 डिग्री और 30 डिग्रीज की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। तो पहले इतना पार्ट समझिए, कॉपी कीजिए, फिर आगे बताता हूँ कि इसमें 30 और 60 कैसे निकलेगा। पॉज द वीडियो एंड नोट। अब देखें AM इज इक्वल टू ए रूट थ्री भी मिल चुका है, ए रूट थ्री AM भी मिल चुका है। अब हम यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे, तो मैं यहाँ आपको वैल्यू निकाल के दिखाता हूँ, क्योंकि अब हमें इस बाकी के पार्ट का तो काम है नहीं, अब हम इसको निकाल के वैल्यू दिखाते हैं इस पे। अब आइए फॉर 60 डिग्री साइन 60 कॉस 60 टेन 60 कोसेक्स 60 sec 60 एंड cot 60। बारी बारी से हम देखेंगे इनकी वैल्यू कैसे निकल रही है। तो देखिए साइन 60, इस एंगल का साइन हमें निकालना है, तो साइन p बाई एच होता है। इस एंगल के लिए p क्या होगा, मैं यहाँ लिख ही देता हूँ p बाई एच। तो इस एंगल के लिए p क्या होगा, am होगा am, और h क्या होगा, हाइपोटेन्यूज ab इज इक्वल टू AM आपका हो गया ए रूट थ्री अपॉन 2a। यहाँ आपका 2a से 2a कैंसिल हो गया, तो बच गया रूट थ्री बाई टू। ये होता है आपका साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है। यहाँ मैं लिख दूँ इन ट्रायंगल AMB, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो यहाँ पे। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं cos 60। cos आपको पता है b बाई एच होता है, तो इस 60 डिग्री के लिए b क्या होगा, ये वाला bm होगा, और h तो चेंज होगा नहीं, आपको भी पता है। तो ये हो गया आपका bm, आपका a है और ये 2a है, तो डेट इज यहाँ पे आपका ये कैंसिल आउट हो गया a और a, तो बच गया आपका 1/2। ये हो गया आपका cos 60 की वैल्यू। अब आइए tan पे, इस एंगल का tan निकालना हमें 60 डिग्री का, तो p बाई बी, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर सामने वाला होगा am होगा, और b क्या होगा, bm होगा, तो विच इज a रूट थ्री अपॉन a। यहां भी आपका a और a कैंसिल हो गया, तो बच गया आपका रूट थ्री। cosec निकाल ही देता हूं, जस्ट रेसिप्रोकेट कर दो इसको, h बाई p विच इज ए बी बाई ए एम विच इज 2a बाई ए रूट थ्री, ए और a कैंसिल हो गया, तो ये 2 बाई रूट थ्री हो गया। यहाँ ये h बाई बी हो जाएगा, विच इज ए बी बाई बी एम हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 2a बाई a, ए और a कैंसिल कर दो, ये 2 हो जाएगा। cot आपका b बाई पी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी एम अपॉन ए एम इज इक्वल्स टू ए अपॉन ए रूट थ्री विच इज इक्वल टू 1/√3 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि हमने 60 डिग्री के सारे वैल्यूज निकाल लिए। ध्यान दीजिएगा 60 डिग्री साइन 60 इतना होता है, कॉस 60 इतना होता है, टेन 60 इतना होता है, कोसेक इतना होता है, सेक 60 इतना होता है, और कॉट 60 इतना होता है। These are the value. तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि फाइंड द ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ 60 डिग्री, तो आपको ये प्रीवियस वाले सारे काम, ये वाले काम करने हैं, और उसके बाद यहां से आपको ये 60 डिग्री की वैल्यू निकाल देनी है। ठीक है, वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, उसके बाद मैं 30 डिग्री का एंगल बताता हूँ इसी फिगर पे। नाउ देखिए 30 डिग्री हम कैसे निकालेंगे इसी फिगर में। यहाँ से देखिए इस एंगल, ये हमारा 30 डिग्री का एंगल है इस राइट एंगल ट्रायंगल में, तो मैं पहले लिख दूँ साइन 30 कॉस 30 टेन 30 कोसेक 30 सेक 30 एंड कॉट 30। चलिए देखते हैं बारी बारी से, साइन 30 पी बाई एच, तो ध्यान दीजिए इस एंगल के लिए P इसके सामने वाला साइड होगा, BM होगा,
इस 30 डिग्री वाले एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये होगा और एच आपका दिस पार्ट होगा, ए बी होगा अपॉन ए बी। तो ये हो गया आपका ए अपॉन टू ए, ए और ए कैंसिल आउट कर दीजिए तो 1/2 हो गया। उसके बाद कॉस बी बाई एच, तो इस एंगल के लिए बेस क्या होगा, ये होगा ए एम होगा और हाइपोटेन्यूज तो ए बी ही होगा। तो ये हो गया आपका ए रूट थ्री अपॉन टू ए, ए और ए कैंसिल आउट कर दो तो रूट थ्री बाई टू बच गया। टेन क्या होता है, पी बाई बी होता है। तो इस 30 डिग्री के एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, बी एम होगा, बी एम होगा एंड बेस क्या होगा, ए एम होगा। तो ये हो गया ए अपॉन ए रूट थ्री विच इज 1/√3। तो सिमिलरली आप इसको निकाल लीजिएगा, मैं यहां लिख देता हूं। कोसेक 30 डिग्री आपको पता है साइन का रेसिप्रोकल होगा, सेक 30 डिग्री आपको पता है कॉस का रेसिप्रोकल होगा और टेन 30 डिग्री कॉट 30 डिग्री टेन का रेसिप्रोकल होगा तो 1/√3 होगा। दिज आर द वैल्यूज ऑफ साइन 30 डिग्री, दिस इज साइन 30, ये कॉस 30, ये टेन 30, ये कोसेक 30, ये आपका सेक 30 और ये आपका कॉट 30। तो इस तरह से आप 30 डिग्री की वैल्यूज आप निकाल सकते हैं। कैसे, तो सेम फिगर पे 60 डिग्री का भी निकलेगा और 30 डिग्री का भी निकलेगा, तो आप एक ही फिगर पे कैलकुलेट करके दोनों को निकाल सकते हैं। वीडियो पॉज कीजिए, नोट कीजिए। नाउ अब देखिए, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल का वैल्यूज चार्ट है जिसमें आपको सारे वैल्यूज दिए हुए हैं। साइन 0 डिग्री 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है, साइन 90 1 होता है। उसी तरह देखिए ये उल्टा होता है, इधर से देखिए ये 0 1/2 और इधर देखिए 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1 और ये देखिए कॉस में क्या होता है, ये यहाँ आ जाता है, ये यहाँ आ जाता है, ये यहाँ और ये यहाँ। जस्ट साइन साइन की जो वैल्यू आप लिख रहे हैं उसका ठीक रिवर्स ऑर्डर जो होता है कॉस में आएगा, टेन में साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो देखो 0/1 0, 0 डिवाइडेड बाई एनीथिंग इज 0 होता है। दिस वन डिवाइडेड बाई दिस वन इज 1/√3, दिस वन डिवाइडेड बाई दिस वन इज 1, दिस वन डिवाइडेड बाई दिस वन इज √3, 1 डिवाइडेड बाई 0, एनीथिंग डिवाइडेड बाई 0 इज नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी जिसको लिखते हैं, ये इन्फिनिटी का सिंबल होता है। तो ये हमारा वैल्यू, ये आपको वैल्यूज याद करके रखने होंगे। और यहाँ चीज देखिए, 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी होता है और इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल 0 होता है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी होगी। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी होता है। देखिए यहाँ साइन 0 डिग्री 0 तो इसका कोसेक 0 डिग्री, मतलब इसका उल्टा इन्फिनिटी हो गया। इसी तरह यहाँ देखिए टेन 90 डिग्री इन्फिनिटी है, नॉट डिफाइंड है, तो कॉट 90 डिग्री 0 हो जाएगा। इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल 0 होता है, नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल 0 होता है। तो बेसिकली इन शॉर्ट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको ये सारे वैल्यूज याद होने चाहिए, तभी आपको इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन और आगे भी आपसे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो ये आपको जब तक आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तब तक ये वैल्यूज आपको याद रखनी पड़ेगी। वीडियो पॉज कीजिए, नोट कीजिए। नाउ अब हम देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज में चलेंगे। तो यहाँ देखिए एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, एग्जांपल साइन 60 डिग्री, इनको इवेल्युएट करना है। तो जस्ट आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ वैल्यू डालनी है। साइन 60 डिग्री √3/2 होता है, अभी आपने पढ़ा। कॉस 30 डिग्री दिस इज ऑल्सो √3/2 होता है। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है और साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। नाउ सॉल्व दिस, √3 × √3 3 और 2 × 2 4, 1 × 1 1 और 2 × 2 = 4 4। तो ये आपका हो गया 3 + 1 डेट इज 4/4 विच इज इक्वल टू 1, ये आपका आंसर हो गया। ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं। वीडियो पॉज कीजिए, नोट कीजिए। एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। तो देखो यहाँ पहले मैं एक चीज बता देता हूँ कि ये 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री का मतलब ये हुआ कि cos 60 का स्क्वायर। उसी तरह 3 sin स्क्वायर 45 डिग्री का मतलब ये हुआ कि sin 45 का स्क्वायर। उसी तरह 3 sin 30 डिग्री
का स्क्वायर प्लस 2 कॉस 90 डिग्री का स्क्वायर। अब जस्ट आप वैल्यू डाल दीजिए, 2 कॉस 60 डिग्री 1/2 होता है का स्क्वायर प्लस 3 साइन 45 डिग्री 1/√2 का स्क्वायर होगा माइनस 3 साइन 30 डिग्री 1/2 होगा स्क्वायर प्लस कॉस 90 डिग्री कॉस 90 जीरो होता है। नाउ सी दिस इज 2 × 1/4, ये आपका एक टर्म है, ये हो गया 3 × 1/√2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, रूट 2 का स्क्वायर 2, माइनस ये हो गया आपका 3 और 1/2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 × 0 डेट इज 0। देखो 0 का स्क्वायर 0 और 2 मल्टीप्लाइड बाई 0, एनीथिंग मल्टीप्लाई बाई 0 इज 0। ठीक है, अब हम सॉल्व कर दें इसको, ये 2 जा कैंसिल हो गया, तो ये बचिए आपका 1/2 प्लस ये बचिए आपका 3/2 माइनस ये बचिए आपका 3/4, 0 मीन्स नथिंग। अब इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो इसका सॉल्यूशन मान लो एलसीएम ले लेता हूं मैं, 4 एलसीएम होगा, तो ये हो गया आपका 2 × 4, यहां भी 2 से, यहां भी 2 से, यहां भी 2 से, यहां भी 2 से, आप जैसे फ्रैक्शन सॉल्व करते होंगे आप अपना वैसे कर लीजिएगा। तो ये हो गया, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई हुआ, तो दिस इज 2 प्लस 3 × 2 = 6 और माइनस 3, तो 6 + 2 = 8, 8 - 3 = 5, 5/4 इज योर आंसर। ऐसे सॉल्यूशन निकालते हैं, वीडियो पॉज करके नोट कीजिए। एक और क्वेश्चन देखते हैं एग्जांपल का, शो दैट दिस वन इज इक्वल टू दिस वन, दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस वन। तो क्या करो, पहले LHS ले लो, LHS आपका ये है cos 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री अपॉन 1 प्लस sin 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री। अब हम इसकी वैल्यू डालेंगे, तो cos 30 हमारा होता है √3/2 प्लस sin 60 हमारा होता है √3/2 अपॉन 1 प्लस sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। नाउ सॉल्व इट, ये 2 LCM होगा, तो √3 + √3 2√3 हो जाएगा, ये वाला पार्ट का सॉल्यूशन यहाँ हो गया। और इधर नीचे देखते हैं, इसमें 2 LCM होगा, तो 2 यहाँ जाके मल्टीप्लाई +1 + 1, तो दिस इज इक्वल टू 2√3/2 इंटू कर देता हूँ, ये हो गया 2 + 1 = 3, 3 + 1 = 4, 4/2, तो 4/2 को आप क्या लिखोगे यहाँ रेसिप्रोकेट करके, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, बच क्या गया √3/2। अब √3/2 को आप cos 30 लिख सकते हैं ना, क्योंकि cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो चूंकि आपको cos 30 ही प्रूव करना है, तो आप cos 30 लिखेंगे इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। तो इस तरह से ट्रिग्नोमेटिकल वैल्यूज के क्वेश्चन हम बनाते हैं, जो पर्टिकुलर एंगल्स होते हैं 0 डिग्री 30 डिग्री से लेके 90 डिग्री वाले। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था, नेक्स्ट वीडियो में हम इससे इसकी एक्सरसाइज करेंगे, NCERT की जो एक्सरसाइज है वो करेंगे, कुछ और भी बाहर के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए और प्लीज़ वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।